बड़ी खबर लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार से सामने आई है, जहां सेक्टर जे स्थित सुलभ आवास योजना में चली गोली। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ सुलभ आवास। 11वीं का छात्र खुद को कमरे में किया कैद, हवाई फायरिंग की सूचना। बता दें तीनों भाइयों में सबसे छोटा है कृष्णा, अपनी कुछ मांग को लेकर कर रहा है डिमांड, खुद को कमरे में कर दिया बंद। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। क्षेत्रीय थाना एसीपी गाजीपुर मौके पर बच्चों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को कमरे में कैद करके रखा है छात्र ने। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है जानकीपुरम विस्तार से, जहां एक कक्षा 11 के छात्र ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। इस खबर के विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं रितेश। रितेश बताइए, ये क्या है पूरा मामला जानकीपुरम विस्तार का? देखिए, ये थाना गुड़म्बा थाना क्षेत्र आता है और यहाँ पर एलडीए का एक अपार्टमेंट बना हुआ है, सुलभ आवास। यहाँ पर एक जानकारी जो मिल रही है पुलिस के द्वारा, यहाँ पर एक छात्र है, वो 12वीं का छात्र बताया जा रहा है, कृष्णा नाम उसका बताया जा रहा है, और वो अपने आप को करीब 4 घंटे से कमरे में बंद कर रखा है। और जो जानकारी अभी मिल पा रही है, वो कमरे में बंद करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। फिलहाल एक बार जब पुलिस जा करके उसके पास तफ्तीश करती है और उससे बाहर निकलने की बात कह रही है, तो वो लड़का खुद को कहता है कि मेरी माँ को यहाँ पर भेजो, यानी अपनी माँ को बुला रहा है। अब क्या कारण है, किन कारणों से अपनी माँ को बुला रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर इंदिरा नगर थाने की फोर्स और गुड़म्बा थाने की फोर्स, अगर बात की जाए तो उत्तरी जो डीसीपी नॉर्थ है अभिजात आरशंकर, वो भी मौके पर मौजूद है। तो काफी मशक्कत पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन अभी उस लड़के को रेस्क्यू नहीं किया गया क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है। बताया जा रहा है कि 2 राउंड उसने फायर भी किया है कमरे में। तो अभी अधिक जानकारी जो मिली है, वो पुलिस लगातार उसको नजर बनाए कि किसी तरीके से उसको सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल है। क्या उसी मनोदशा है, ये भी अभी जानकारी मिल नहीं पा रही। तो रितेश, ये पिस्टल उसके हाथ में किसका पिस्टल है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि उनके पिता का लाइसेंसी रिवॉल्वर था, लेकिन उसके पास अभी मौके पर हाथ में हो स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसके हाथ में आकर वो पिस्टल आया कहाँ से। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो टास्क है वो पुलिस के लिए है कि उसको सकुशल बाहर निकाला जाए। इसके लिए पुलिस लगातार उसको समझा रही है, लगातार उसके दरवाजे पर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी पुलिस वहां पर पहुंच रही है। हालांकि उसके हाथ में जो पिस्टल है उससे वो कितना हाईटेक है, ये भी अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने कमरे में दो राउंड फायर किया है। लेकिन पुलिस लगातार, अगर बात की जाए तो गुड़म्बा थाना प्रभारी जो है नीतीश श्रीवास्तव, वो भी मौके पर गए थे, और इंदिरा नगर के एसएचओ हैं, वो भी मौके पर आए थे। उस लड़के को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़का अभी वो कोई चीज मानने के तैयार नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो पुलिस के मुताबिक वो कहीं ना कहीं किसी नशे के हालत में हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस सतर्कता इस बात की बरत रही, कहीं ना कोई ऐसी घटना वो लड़का खुद के ऊपर ना कर रहे। इसके लिए पुलिस लगातार 4 घंटे से लगातार वेट कर रही, समझा रही, मान मनोबल कर रही। रितेश, इस विषय में उसके बच्चे के माता पिता का क्या कहना है? कुछ तो उनको जानकारी होगी कि बच्चे ने इससे पहले भी कभी कुछ इस तरीके की बातें, डिमांड मतलब या नशे का कुछ, मतलब क्या बोल रहे हैं माता पिता इस विषय में? देखिए, अभी 2 चीजें इसमें निकल करके आ रही है। माता पिता की अगर बात की जाए तो इसके पहले भी पिता से जो बात की गई तो पिता भी कुछ भी बता पाने से वो दूर भाग रहे हैं। फिलहाल अगर यहाँ के निवासियों की बात माने तो ये घटना इसके पहले भी, ये लड़का इस तरीके की घटना यहाँ पर कर चुका है, दहशत यहाँ पर फैला चुका है, क्योंकि यहाँ के जो यात्री निवासी है उन निवासियों का ये साफ तौर पर कहना है कि ये कुछ इस प्रवृत्ति का है लड़का, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी चुटपुट कर चुका है जिसकी वजह से भय का माहौल रहा है। फिलहाल आज ये बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरीके से 4 घंटे से कोई अपने आप को खुद कमरे में कैद किया हो और असलहे के साथ, अब वो अवैध है या लाइसेंसी है, तो पकड़े जाने के बाद पता चलेगी। फिलहाल अगर बात की जाए, यहाँ पर इस समय थाना गुड़म्बा क्षेत्र के सुलभ आवास में यहाँ पर थाने की फोर्स मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, खुद उत्तरी जो डीसीपी है अभिजात आरशंकर वो मौजूद है, और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, बाकी कमरे में वो अकेले ही है बच्चा? देखिए, बिल्कुल, वो अभी जो बताया जा रहा है कमरे में खुद को अकेले ही बंद कर रखा है। अब अंदर वो किस तरीके से क्या गतिविधि कर रहा है इस बारे में तो कुछ अभी खास जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो पुलिस लगातार इस बात की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश कहां तक कामयाब होती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस ये जरूर प्रयास लगा रही है और ये कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए, उस अनहोनी से बचने के लिए वो लगातार। रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।